वर्तमान में विश्व में पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या को देखते हुए बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स की महत्वता बहुत ज्यादा हो गई है। ऐसे में जहां मार्केट में पहले प्लास्टिक और थर्माकोल की प्लेट्स की डिमांड थी, वहीं अब इनकी जगह नए विकल्प के रूप में एरेका लीफ प्लेट यानी एरेका की पत्तियों से बनी प्लेट को बहुत पसंद किया जा रहा है। ये बायोडिग्रेडेबल होने के कारण पूरी तरह से इको फ्रेंडली होती हैं, जिससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता। इन्हें आसानी से डिस्पोज किया जा सकता है। ये प्लेट्स पूरी तरह से केमिकल फ्री होती हैं। ये प्लेट्स वेट में हल्की और हैंडी होती हैं, इसलिए इनका यूज आप ट्रैवलिंग के दौरान और किसी भी इवेंट में कर सकते हैं। ये प्लेट्स काफी किफायती भी होती हैं। साथ ही मार्केट में इनकी काफी वैरायटी उपलब्ध है, जैसे सर्कुलर प्लेट्स, बाउल्स और कंपार्टमेंट एरेका लीफ प्लेट्स इत्यादि। एरेका लीफ प्लेट्स की इतनी खासियत होने की वजह से इसका व्यवसाय एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसलिए आज IID आपके लिए लेकर आया है एरेका लीफ प्लेट्स मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय की जानकारी। आइए जानते हैं इस व्यवसाय को कैसे शुरू किया जा सकता है। रॉ मटेरियल। इस व्यवसाय में कच्चे माल के रूप में एरेका लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेस। इसे बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले एरेका लीव्स को प्रोक्योर किया जाता है, फिर इसे वॉशिंग सेक्शन में ले जाया जाता है, जहां इसे प्रेशराइज्ड वाटर की सहायता से अच्छे से साफ किया जाता है। अब इन लीव्स को धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। मॉइस्चर रिमूव होने के बाद इन लीव्स का विजुअली इंस्पेक्शन किया जाता है। अगर किसी लीव में ब्लैक स्पॉट्स होते हैं या खराब क्वालिटी की होती है तो उसे अलग कर लिया जाता है। फिर इन्हें प्रोडक्शन एरिया में लाया जाता है, जहां डिजायर्ड डाई को सबसे पहले मशीन में प्रिसाइसली माउंट किया जाता है। आप प्रोडक्ट की आवश्यकता अनुसार सिंगल डाई, डबल डाई या ट्रिपल डाई मशीन का भी उपयोग कर सकते हैं। फिर मशीन द्वारा इन डाइस को एक निश्चित टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिसके बाद एरेका लीव्स को हाइड्रोलिक मशीन में फीड किया जाता है, जहां इन लीव्स को डिजायर्ड कटलरी का शेप दिया जाता है। अब इन कटलरी का इंस्पेक्शन करके इन्हें डिजायर्ड क्वांटिटी में पैक कर दिया जाता है और मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में जिन मशीनों और इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होगी वो इस प्रकार हैं: हाइड्रोलिक एरेका प्लेट्स मेकिंग मशीन, श्रिंक रैपिंग मशीन, वाटर जेट स्प्रे गन, वाटर टैंक, पंप, प्रोफाइल डाइज। अगर आप इस व्यवसाय को दो मशीनों के साथ शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको लगभग 1300 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। दो मशीनों के साथ आपको 12 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। साथ ही इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए लगभग 6 से 8 लाख निवेश की जरूरत होगी। वहीं अगर आप प्रारंभिक स्तर पर एक मशीन के साथ ही व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 800 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको 5 से 7 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी और साथ ही लगभग 3 से 4 लाख निवेश की भी जरूरत होगी। मैन पावर। इसके अलावा 3 से 5 वर्कर्स की सहायता लेनी होगी। इस व्यवसाय से आप लगभग 10 से 15% तक का प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। ध्यान रहे, उपयुक्त सभी फिगर व्यवसाय के साइज, प्रकार और आपकी इन्वेस्टमेंट के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं। इस व्यवसाय के लिए आपको जिन लाइसेंसेस की जरूरत पड़ेगी वो हैं GST, उद्यम इत्यादि। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। अगर आपको इस बिजनेस या किसी भी डिफरेंट इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए किसी भी एक्सपर्ट नॉलेज या गाइडेंस की आवश्यकता है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू IID से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर क्लिक करके आप वेबसाइट के सर्विसेज टैब में रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हमारी टीम आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारी जानकारी और सहायता करती है। अगर आपके मन में कोई बिजनेस आइडिया है और हमसे इसकी जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बता सकते हैं।